Once again, Anil sir, we welcome you on the stage. It's a great privilege and an honor to have you on this dais. Sir, आपका एक बहुत बड़ा association है इस शहर से और इस festival से भी. तो first of all, we would love you to share a few of the memories related to this festival. इधर, हाँ? अंधेरी के वासी हो आप लोग अंधेरी के वासी हो right? हाँ एकदम झकास. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. आप लोग सब यहाँ आए इतने और यू नो जो फेस्टिवल चल रहा है गणेश चतुर्थी का, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या एसोसिएशन है शहर से गणेश चतुर्थी से. मैटर फैक्ट जब से मैं पैदा हुआ मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है चेंबूर में तिलक नगर में और वहाँ बचपन से मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला तो एक ही जो त्यौहार था जो मुझे अब तक याद है वो है गणेश चतुर्थी. और मैं एक वो जो कॉलोनी थी वो जो टाउनशिप तिलक नगर वो एक चौल जैसी थी तो हर बिल्डिंग में कम से कम 30 या 40 खोलियां होती थी और उन खोलियों में तो मेरे ख्याल से कम बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी थे वो महाराष्ट्रन थे और मेरी पैदाइश सारे जो मेरे दोस्त थे वो सारे महाराष्ट्रन थे और उनके घर जाता था उनके घर में गणपति होता था तो कभी किसी आई के घर में शोभा जी के घर में तो उनके घर में और जो गणपति के जो मेरे जो फेवरेट प्रसाद होते थे वो क्या बोलते हैं उसको वो जो मोदक. हाँ मोदक. तो मोदक में दबा के खाता था और एक और चीज़ होता जिसमें वो नारियल से बनता है अंदर नारियल होता है और वही मोदक है. और नहीं नहीं वो एक ऐसे राउंड सा होता है करंजी मेरा फेवरेट होता था. करंजी मैं दबा के खाता था. और जो आप लोग बोलते ना यार ये डांस कैसे करते हैं ये झकास कहां से आया जो मैंने जो जो मैंने फिल्में की हैं जैसे कि मैंने मशाल की मैंने तेजाब की मैंने रामलखन की और जो भी मैंने जो डांस किया है वो मैंने गणपति में ही जो सीखा था वही मैं डांस करता हूँ आज तक. दो तीन स्टेप ही आते मेरे को. अभी मुझे बोलो कि ऋतिक रोशन की तरह डांस कर लो या ये जो जितने ग्रेट डांसर जो हैं गोविंदा जी हैं ऋतिक जी हैं और बड़े बड़े जो डांसर हैं मुझे उनकी तरह डांस करने नहीं आता. मुझे एक ही डांस आता है वो है गणपति का डांस और हर फिल्म मैंने गणपति का ही डांस है. तो गणेश जी का बहुत आशीर्वाद रहा है. डांस मैंने वही जो जब ये त्यौहार होता था जो मैंने सीखा वहीं सीखा है मैंने और मैं हमेशा हर साल इस त्यौहार का इंतजार करता हूं और बहुत मज़ा आता है क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जहां आप लोग मिलजुल के आप सब अपने परिवार से मिल सकते हैं अपने दोस्तों से मिलकर करते हैं. और कुछ सालों से मैं अपने घर पर भी गणपति रखता हूँ तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि यू नो कि जैसे जैसे यू नो कि इतना आसान नहीं होता गणपति रखना घर पर यू नो उसमें काफ़ी आपको देखभाल करनी पड़ती है गणपति की गणपति जी की और सबकी सेवा करनी पड़ती है तो हर साल करना पड़ता है और हर साल हमें ऐसा लगता है कि यार इस साल भी करना पड़ेगा. मगर उन्होंने एक ही चीज़ कही कि जब हम गणपति रखते हैं तो इतने लोग आते हैं आपके घर में जैसे कि अभी आप लोग सब आए हैं. आप लोग सब आए हैं तो आप लोगों की दुआएं लगती हैं आप लोगों की दुआएं लगती है और फिर कोई भी चीज़ हम करें तो हमें नाकामयाबी मिल ही नहीं सकती क्योंकि आप सबकी दुआएं हैं. तो जो घर पर आते हैं जो आप लोग यहाँ आए हैं वो आप लोगों की दुआएं हमको लग रही हैं और मैं चाहूँगा कि ये दुआएं जो आज हम ये मराठी फिल्म का जो संगीत का उद्घाटन है गाने का उद्घाटन है मैं चाहूँगा कि आप सब भी उसी तरह गणपति जी के आशीर्वाद से आप सब की भी दुआएं इस फिल्म को लग जाए इस गाने को लग जाए और ये फिल्म कामयाब हो. सर हाँ जी पूछिए मैंने ज़्यादा बोल दिया. नहीं सर एक और चीज़ पूछनी थी आपसे. कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि आप लोकल ट्रेन में गए थे और क्या फिर से उससे कुछ मेमोरीज ताज़ा हो गई? हाँ मैंने लोकल ट्रेन में तो जब मैं चेंबूर में रहता था तो मैं जहाँ भी जाता था लोकल ट्रेन में ही जाता था. मैं कॉलेज जाता था लोकल ट्रेन में जाता था तो हार्बर ब्रांच लेता था हार्बर ट्रेन लेता था तो मैं वो चेंबूर से लेता था फिर वो चूनाभट्टी से होते हुए रे रोड और सैंडर्स रोड मस्जिद बंदर करते करते वीटी पहुँचता था. और कभी कभी थोड़ा सा चर्च गेट जो था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टेशन था मेरे लिए. चर्च गेट वीटी यू नो हम लोग गांव वाले सबब्स में चम्बूर मगर जो ये जो चर्च गेट वाला है वो बांद्रा विले पार्ले खार
ये मेरे लिए बहुत क्लासी चीज होती थी. तो मैं अभी शूटिंग कर रहा था मुकेश मिल में, मैं बोला यार बहुत सालों से चर्च के स्टेशन से कहीं नहीं गया हूँ, और मेरी पत्नी ने बोला कि विसर्जन है इस टाइम पे, मुझे पहुंचना ही पड़ेगा. तो उसने बोला कि मैं, क्योंकि विसर्जन करना है तो ज्यादा देर भी नहीं हो सकती है, तो बोला पंडित जी आ रहे हैं यू नो 7:30 बजे. मैंने बोला कोशिश करूंगा मैं. तो मैंने जैसे कि आज मैं गाड़ी में आया हूँ, मैं निकला हूँ वहां से 7:45 बजे मुकेश मिल से, और मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुंचने के लिए, 2.5 घंटे लगे. लेकिन जिस दिन मैंने अपनी लोकल ट्रेन ली चर्च गेट से, मैं घर एग्जैक्टली 1 घंटे में पहुंचा. 45 मिनट्स मुझे लगा स्लो ट्रेन लिया, क्योंकि विले पार्ले में मुझे उतरना था. ये सब मुझे मालूम है, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन ये सब मैं ले चुका हूँ. तो मैंने स्लो ट्रेन ली और मैं विले पार्ले में उतरा. तो वहाँ एक मैंने मोटरसाइकिल रखी थी, मोटरसाइकिल पे मैं बैठा. मेरा जो एक घर पे है उस मेरी मेरे बेटे की मोटरसाइकिल, मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है मिर्जिया, याद रखना आप लोग 7 अक्टूबर को, ये भी देखना. मराठी पिक्चर की प्रमोशन है, मैं अपनी पिक्चर की भी प्रमोशन कर अपने बेटे की. तो मोटरसाइकिल में बैठा और घर पहुंच गया, और वक्त पे पहुंचा तो बीवी की शक्ल देखी, बड़ी खुश हुई वो. तो मेरे जो होता ना कि अभी 1 साल मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि बीवी जो है बहुत खुश है. गणपति जी अपना अपने भगवान जी भी खुश है और बीवी भी खुश है, दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है. सही बात है कि नहीं? सही बात है. घरवाली को खुश रखो और भगवान जी को खुश रखो, पूरा कल्याण हो जाएगा. इसलिए मैंने ट्रेन ली. यस सर, और आप तो जानते ही है कि दिस फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रियंका चोपड़ा एंड डॉक्टर मधु चोपड़ा, एंड यू वर अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली इन द फिल्म दिल धड़कने दो. तो देयर इज अ ग्रेट एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑफ यू, सो वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट दिस एसोसिएशन. देखिए प्रियंका जी के साथ के बारे में जितना कम, मतलब कितना बोलो, मतलब पूरी दुनिया बात कर रही है. पहले तो हिंदुस्तान बात कर रहा था, अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है. शी इज बिकम अ ग्लोबल स्टार. तो ये मेरा मेरे ख्याल से इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स ऑनर फॉर मी. एंड मेरी जो मेरी दोस्ती हुई है प्रियंका से भी हुई है, और प्रियंका जी की मम्मी से भी हुई है, समझे ना आप. तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ प्रियंका के लिए आया हूँ, मैं उनकी मम्मी के लिए ज्यादा आया हूँ. क्योंकि एक हमारा एक किस्म का एक रिश्ता है, जो कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि रोज मिले, मगर वो एक बार बात करने से एक रिश्ता बन जाता है. एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक पेरेंट के साथ, एक माँ के साथ, कि किस तरह कितना इतना आसान नहीं होता है एक इतनी बड़ी हीरोइन की माँ होना, और उसे अच्छी तरह उसे यू नो पालना पोसना और इतना कामयाब बनाना. उनका आई एम श्योर 99% इनका बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें. तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ये फिल्म बना रही है, और इन्होंने मराठी फिल्म बनाई है, और राजेश साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वेंटिलेटर फिल्म का नाम है. नाम सुनकर भी मैं बोला यार वेंटिलेटर है तो जाना ही पड़ेगा, ये नाम जबरदस्त है, कुछ अलग नाम है मराठी पिक्चर के लिए, तो जब एकदम अलग नाम है. और यू नो प्रियंका जी उनकी मम्मी, और प्रियंका जी ऑफकोर्स आप लोगों ने दिल धड़कने दो देखी होगी. दिल धड़कने दो देखी कि नहीं आप लोगों ने? हाँ देखी है ना. तो उसमें मैंने क्या रोल किया था प्रियंका जी का? हाँ फादर का किया था ना. सही बात है कि नहीं? सही बात है. तो मुझे जब उनके साथ मैंने जब काम किया, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने पहले एक फिल्म में काम किया था सलाम इश्क में, बहुत छोटा सा रोल था उसमें मेरा, छोटा एक आध डेढ़ सीन ही था मेरा उसके साथ. पर इस बार 40-45 दिन हमने एक साथ बिताए एक शिप पर, वहाँ मुझे करीब से प्रियंका को जानने का मौका मिला. और जब मुझे पता चला कि शी इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ बिग स्टार बट अ फैंटास्टिक ह्यूमन बींग ऑल्सो, तो दीज आर ऑल द रीजन्स बिकॉज ऑफ द मदर, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप विद प्रियंका दैट आई एम हियर टूडे. एंड ऑफकोर्स आई एम हियर बिकॉज आज जो है गणेश चतुर्थी है भैया, है कि नहीं? तो इससे बड़ा अच्छा मौका क्या हो सकता है कि इतने अच्छे उत्सव पर हम ये संगीत की उद्घाटन कर रहे हैं, इस गाने का उद्घाटन कर रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. जीतू जी आप कुछ सीरियसली मुझे देख रहे हैं. मैं काय बोलू आता अपन बोलना काय बोलू काय बोल. मी तेच सांगतो आता की जेव्हा पॅन्टची नाडी पण नीट बांधता येत नव्हती, तेव्हापासून आम्ही या माणसाला या सुपरस्टारला आम्ही फॉलो करतोय. म्हणजे मला असं झालं होतं की जेव्हा मला कळलं की अनिल कपूर येत आहेत, आपण मराठी किंवा काही आपण किती चांगलं काम लोक आपले फॅन असले तरी आपण कोणाचं तरी फॅन असतो, आणि त्या माणसाबरोबर आपल्याला एक स्टेजवर
उभं राहण्याचा आपल्याला जी संधी मिळते, मला वाटतं ही संधी मला माझ्या कलेने दिली आहे, त्यामुळे कलेपेक्षा मोठा कोणीच नाही. पण आपल्या स्टारला अपने स्टार को ऐसा देखना सर, मतलब मैं आपको क्या बोलू, मला मी इतर वेळेला खूप बडबड करतो, मला आता शब्दच फुटत नाहीये, कारण ह्या माणसाची एनर्जी मी म्हणतो त्या दिल धडकने दो मध्ये सुद्धा सगळ्यांपेक्षा सगळ्यात भारी काम जर कोणाचं झालं होतं म्हणजे ते रणवीर कपूर सुद्धा यांची एनर्जी मॅच करू शकत नाही या माणसाची, एक तरुण मुलगा सुद्धा इतका हा तरुण असलेला हा माणूस. म्हणजे मला वाटतं की देवानंद साहेबांनंतर जर कोणी खऱ्या अर्थाने तरुण असेल तर दॅट इज अनिल कपूर, दॅट इज अनिल कपूर. म्हणजे जर कुणाला काही डिप्रेशन वगैरे आलं असेल अनिल कपूरचा फक्त वॉक बघायचा, आता जे त्यांनी असं असं करून दाखवलं मी म्हण काय बोलू सर तुमच्याविषयी, आय लव्ह यू, बाकी काय माझ्याकडे शब्द नाही, आय लव्ह. तो अपना मेरे ख्याल से उद्घाटन हो जाए. हम जब छोटे थे तब आप जैसे दिखते थे वही वैसे ही आज आज भी आप दिखते हैं. ये भी आप कहना क्या चाहती है कि मैं बड़ा हो गया हूँ? चलिए उद्घाटन कर. व्हेंटिलेटर या चित्रपटाचं गणपती बाप्पाचं आता आपण जे गाणं पाहिलं त्याच्या व्हिडिओ सीडीचं अनावरण इथे झालेलं आहे. आता लवकरच तुम्हाला सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि मीडियाच्या माध्यमातून हे गाणं घर बसल्या सुद्धा पाहता येईल आणि त्यानंतर चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन तुम्ही पाहणार आहातच. थँक यू सो मच सर, आज तुम्ही इथे आलात आणि त्याचबरोबर या गाण्याचं अनावरण केलं आणि त्याचबरोबर आमच्याशी गप्पा पण मारल्यात, त्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी प्लीज आप लोग सब जाकर व्हेंटिलेटर जरूर देखना. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं मैंने राजेश साहब की एक फिल्म देखी थी फिरारी की सवारी जो मुझे बहुत पसंद आई थी और जब मुझे पता चला कि राजेश साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि ये फिल्म जो है एक अच्छी फिल्म भी होगी और सुपरहिट भी होगी 100%. और इसका म्यूजिक भी सुपरहिट होगा, फिल्म भी सुपरहिट होगी, मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है. और आज गणेश जी का आशीर्वाद हम सबको है और प्रियंका जी का मैसेज भी आप लोग सबने सुना और मेरे ख्याल से आप सबकी दुआएं होंगी तो ये फिल्म जरूर जरूर चलेगी और बहुत चलेगी. बहुत बहुत मुबारक आप सबको, बहुत बहुत मुबारक.